शिवरात के साथ चार शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसएसपी आगरा बबलू कुमार के नेतृत्व में थाना सदर क्षेत्र में लूट और चोरी की आए दिन वारदातें हो रही थी। उसी को लेकर कुछ टीमों का गठन किया गया था। उसी को देखते हुए थाना सदर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना सदर पुलिस ने चार आरोपियों को धर दबोचा। उनके पास से चार मोटरसाइकिल, एक स्विफ्ट कार और कुछ सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए। समाचार 24 से बात करते हुए एसपी सिटी आगरा ने बताया कि थाना सदर क्षेत्र में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग प्रतिदिन क्षेत्र के अंदर चोरी और लूट घटनाओं को अंजाम दिया करते थे, जिनके पास से चार मोटरसाइकिल और एक स्विफ्ट कार, सोने चांदी के जेवरात बरामद किए। पुलिस द्वारा इन पर कार्यवाही की जा रही है और जेल भेजा जा रहा है। कुछ इनके आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, उनके लिए भी दबिश दी जा रही है। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। थाना सदर में कुछ आरोपी पकड़े गए हैं, क्या मामला था सर, क्यों गिरफ्तारी? देखिए, विगत कुछ दिन से कुछ चोरियों की घटनाओं को अंजाम देने वाले कुछ गिरोह लगातार सक्रिय थे। श्रीमान एसएसपी महोदय के आदेश अनुसार प्रत्येक थाना क्षेत्र में एक एक टीम डेडिकेटेड इसके लिए बनाई गई थी कि वो चोरी और लूट की घटनाओं को, वारदातों को रोक सके। जो पूर्व में जो घटनाएं घटित हो चुकी है उसके जो विवेचना है उसका सफल अनावरण भी कर सके। थाना क्षेत्र सदर में एक ऐसी टीम का गठन हम लोगों ने किया था और उन लोगों को, चार मुलजिमों को पकड़ने में, जो लुटेरे हैं उनको पकड़ने में कामयाबी भी हासिल हुई है। उनके पास से एक स्विफ्ट गाड़ी, चार मोटरसाइकिल, कुछ चांदी सोने के कुछ जेवर जो उन्होंने विविध चेन स्नैचिंग और इत्यादि जो घटनाएं उनको अंजाम किया था वो पकड़े गए हैं और तीन अभियुक्त इसमें अभी शेष हैं, वो फरार हैं, उनके लिए भी टीम कार्यरत है। कौन सरगना है इस गिरोह का सर? देखिए, अलग अलग लड़के हैं इसमें। एक का नाम अनिल कुमार है, पवन कुमार, मोनू ठाकुर और देवेंद्र, ये लोग हैं। लगातार मलपुरा और सदर क्षेत्र में ये लोग कार्यरत हैं। जगदीशपुरा एरिया में भी इन लोगों ने कुछ चोरियों को अंजाम दिया था।